हेलो फ्रेंड्स, मैं सियरा के सिंगल रिसर्च एनालिस्ट और आपका स्वागत है हमारी वीकली सीरीज नेक्स्ट वीक बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीक बाजार में क्या हुआ, यानी यो वीक जो 20 अप्रैल से शुरू हुआ था उस वीक में क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं एफआई की। जो एफआई अभी तक जनवरी से मार्च तक अभी तक सेलिंग थी, वो अप्रैल में भी सेलिंग कंटिन्यू एफआई की, और कैश सेगमेंट में अभी तक एफआई ने 6800 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग अभी तक कर दी है। और डीआई की अगर बात करें, जनवरी से मार्च तक डीआई ने काफी परचेज की थी, लेकिन अप्रैल में डीआई ने भी सेलिंग शुरू कर दी है और डीआई ने अप्रैल में अभी तक 3000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है। तो देखना होगा नेक्स्ट वीक में ये सेलिंग कंटिन्यू करती है या नहीं। साथ ही साथ अगर निफ्टी की बात करें तो वीकली निफ्टी में कमजोरी देखी गई। इस वीक मंडे निफ्टी ओपन हुआ 9390 पर, लेकिन फ्राइडे को 9155 के लेवल पर क्लोज हुआ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 9400 के लेवल के आसपास एक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, वही हुआ। और उसके साथ साथ निफ्टी ने 9000 और 7900 के लेवल इस वीक में छुए। नेक्स्ट वीक के लिए अगर बात करें, नेक्स्ट वीक के लिए भी वही है, 9400 का एक निफ्टी में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, जो कि निफ्टी मुझे लगता है कि तोड़ना नहीं चाहिए और उसी के आसपास वहां पे फिर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, जो कि निफ्टी को 9000 से लेकर 7900 या 8700 तक के लेवल पर भी ले जा सकती है। कोरोना वायरस के अभी कंसर्न कंटिन्यू है। अभी तक ग्लोबली 29 लाख से ज्यादा कंफर्म केस हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा डेथ हो चुकी है। अब इस वीक की बात करें तो मंडे 20 अप्रैल के लिए, 20 अप्रैल को गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में कुछ पार्शियल एग्जेम्पशन दी थी, जिससे कि कुछ रूरल एक्टिविटीज यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उनको कुछ एग्जेम्पशन दी थी खोलने के लिए। और इसके साथ साथ इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए थे मार्च क्वार्टर के। इन्फोसिस के रिजल्ट की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर पर रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ देखी गई, साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 0.8% की ग्रोथ देखी गई रेवेन्यू में। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 6.7% की ग्रोथ देखी गई, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक 2.7% का एक नेगेटिव डिक्रीज देखा गया। इसके बाद और कंपनी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी अपने आगे के गाइडेंस जारी नहीं किए हैं कोविड-19 को लेकर, लेकिन हमें लगता है कि ये टफ टाइम है सारी कंपनीज के लिए, लेकिन इंफोसिस एक ऐसी कंपनी है जो कि इस टफ टाइम से भी निकल जाएगी। साथ ही 21 अप्रैल को ACC ने भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, एक बड़ी सीमेंट कंपनी। इन्होंने अपने रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में 10.65% का एक दबाव देखा गया क्वार्टर ईयर ऑन ईयर पे बेस पे, और साथ ही ऑपरेटिंग EBITDA जो था वहां पे एक 10% की ग्रोथ देखी गई ईयर ऑन ईयर बेस पे। साथ ही अगर 23 अप्रैल को बात करें तो यूएस जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए। यूएस जॉबलेस क्लेम में इस वीक 4.427 मिलियन लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए 18 अप्रैल को जो वीक खत्म हुआ था उसमें, तो जो कि प्रीवियस वीक में 5.245 थे तो उससे काफी कम हुए। हालांकि टोटल एप्लीकेंट अभी तक 26 मिलियन तक हो चुके हैं इस महामारी के बाद। 24 अप्रैल की बात करें तो फ्राइडे को 24 अप्रैल को इंडिया बैंक लोन ग्रोथ के आंकड़े हैं, जो कि करीब 7.2% थे मार्च हाफ ईयर के, जो कि सितंबर हाफ ईयर में 6.1% थे। तो बैंक लोन ग्रोथ में एक उछाल देखा गया। साथ ही डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो वहां पर 9.5% था मार्च क्वार्टर में, जो मार्च हाफ ईयर में, जो कि सितंबर हाफ ईयर में 7.9% था। डिपॉजिट ग्रोथ में भी एक उछाल देखा गया। अगले वीक की बात करें तो 27 अप्रैल को मंडे को पीएम की मीटिंग है कोविड-19 को लेकर सारे सीएम के साथ। साथ ही 28 अप्रैल को 2 दिन की FOMC की यानी फेडरल की मीटिंग शुरू हो रही है 2 दिन के लिए। साथ ही बैंक ऑफ जापान अपने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन बताएगा। साथ ही 29 अप्रैल को FOMC की मीटिंग का आउटकम आएगा, और साथ ही US के Q1 के GDP के नंबर भी आएंगे। थर्सडे को बात करें तो थर्सडे को US जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और अप्रैल सीज की एक्सपायरी भी है। फ्राइडे को इंडिया मार्केट क्लोज है क्योंकि महाराष्ट्र डे है। तो आज के लिए बस इतना ही। मार्केट पर अपडेट्स के लिए देखते रहें और हमारे साथ बने रहें, मुनाफा कमाते रहें, घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।